हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एमएस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज हम एल्कीन चैप्टर के लेवल 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1-4 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ रिएजेंट्स दिए गए हैं और हमारे पास रिएक्टेंट होगा 3-methyl-1-butene से प्रोडक्ट बन रहे। तो किससे अपने पास ये रिएजेंट से बनेगा ये अपने को चेक करना है। तो अपन इनको क्या एक्सपेंड कर करके देख लेते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा है। ये मॉलिक्यूल अपने पास है CH3 का होल ट्वाइस CH CH Cl CH3। दैट मीन्स हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उस पर क्या एडिशन हो रहा है, सिंपली यहाँ पर HCl का एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर पहला रिएजेंट कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा A। ठीक है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ये वाला प्रोडक्ट सिंपल बन सकता है डायरेक्टली कोई भी एल्कीन से। अब यहाँ पर दूसरा अपन मॉलिक्यूल देखें, दूसरे मॉलिक्यूल में अपने पास क्या है, यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस CH पे Br है, फिर यहाँ पर CH2 पे Br है। तो आपको गौर करना है सिर्फ डबल बॉन्ड पे। अब डबल बॉन्ड पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमीन एडिशन हो रहा है। तो किसी भी एल्कीन पर Br लगाना है एंटी एडिशन कराने के लिए आपको क्या रिएक्शन होनी चाहिए, वहाँ पर Br2 की रिएक्शन करानी चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पर अपने पास रिएजेंट कौन सा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन अपने पास दिया गया CH3 का होल ट्वाइस CH CH OH CH2 Br। यानी ये एक कार्बन पर OH लग रहा है और एक पे Br लग रहा है, दैट मीन्स H2O+Br2 या HOBr का यहाँ पर रिएक्शन होगी एल्कीन के साथ में रिएक्शन। ठीक है, तो HOBr यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए HOBr ये दिया हुआ है, इसको H2O+Br2 की मिक्सचर ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये G हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन में देखें तो फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पर है CH3 का होल ट्वाइस CH CH OH CH3। यानी ये क्या है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन से हाइड्रोलिसिस हो रहा है। यानी ये कौन कौन से मेथड से हो सकता है, ये आप या तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से हो सकता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के लिए रिएजेंट कौन से होंगे, मर्क्यूरिक एसिटेट इन H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपने पास सी। ठीक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन यहाँ पर NaBH4 से हो जाएगा, तो इसके बाद में H भी लिख सकते हैं आप CH। ठीक है, इसके बाद अपने पास कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CH CH OH CH2 OH। यानी एल्कीन पर क्या हो रहा है, पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, यानी 1,2-diol का फॉर्मेशन हो रहा है। 1,2-diol का फॉर्मेशन कब होगा, जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं, बेयर्स रिएजेंट के साथ, यानी एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4 के साथ। ये क्या होता है, ये होता है बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, सिन एडिशन रिएक्शन होती है और हमारे पास पर हाइड्रोक्सिलेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर अपने पास कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर होगा ऑप्शन F। तो यहाँ पर C की जगह क्या लगा लेंगे आप, F लगा लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, फर्स्ट में आ जाएगा A B G C एंड F। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से अपन ने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर प्रोपीन दिया हुआ है, कैन बी ट्रांसपोर्ट टू कंपाउंड A2J। यानी यहाँ पे हमारे पास जो A2J इनमें कन्वर्जन हो रहा है, तो किस रिएजेंट से होगा ये अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ये क्या है, ये प्रोपीन है सिंपल। ठीक है, अब प्रोपीन से यहाँ पर क्या बना रहे हैं, पहले सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये CH3CH Br CH2 Br, यानी इस कार्बन पर भी Br है और इस कार्बन पर भी Br है। तो ये कब होगा, जब यहाँ पर अपन यूज़ करें Br2 with CCl4। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो एंटी एडिशन रिएक्शन कराएंगे तो अपने पास कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए Br2 in CH2Cl2। तो डी ऑप्शन यहाँ पे लिख दीजिए कि डी से हो जाएगा। उसके बाद अपन यहाँ पर देखें इससे क्या कन्वर्जन हो रहा है, इससे कन्वर्जन अपने पास देखें तो ये CH3 का होल ट्वाइस है, यानी CH CH3 OH। तो यहाँ पर OH जो हो रहा है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन से ऐड हो रहा है। तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन कैसे हो सकता है, या तो H3O+ से अटैक कराए या OMDM कराए, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए अपने पास में क्या यूज़ होगा, यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिटेट इन H2O, ये तो OM होगा। और DM के लिए अपन ये क्या यूज़ करेंगे, NaBH4 in alcohol। तो यहाँ पर टू स्टेप्स हो जाएंगे A and C। इसके बाद अपने पास क्या दिया हुआ है, इसके बाद अपने पास ऑप्शन दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 OH। तो ये क्या है, यहाँ पर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो रहा है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कब होगा, ये तो OMDM में तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, और ऐसे ही अपन देखें कि अपने पास एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहाँ पे होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जब अपन रिएजेंट कौन से यूज करते हैं, डाइबोरेन इन H2O2। ठीक है, इन बेसिक मीडियम। तो सबसे पहले अपन डाइबोरेन यूज करेंगे, बी ऑप्शन।
H2O2 इन एक्वस बेस, यानी इसके बाद आ जाएगा ई ऑप्शन। तो ये इस तरह से हो गया। इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पर कीटोन दे रखा है, तो कीटोन अपने पास बन रहा है। तो कीटोन बनने के लिए पहला क्या चाहिए, कीटोन बनाने के लिए पहले आप इसको एल्कोहल में बनाइए और फिर इसका ऑक्सीडेशन कराइए। ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले एल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज़ कर लेंगे, OMDM यूज़ कर लेंगे, और फिर ऑक्सीडेशन के लिए आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HOBr। HOBr एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर HOBr यूज़ करके अपन कीटोन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप सिंपली इसको पहले जो एल्कोहल बनाया था अपन ने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में, वो बनाइए, फिर इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो कार्बन है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ए सी तो रहेगा पहला, फिर रह जाएगा एफ, फिर यहाँ पर इनिशियल बी ई रहेंगे और लास्ट हो जाएगा एफ स्टेप। इसके बाद अपन देखते हैं CH3CHOHBr है, यानी इस कार्बन पर आप देखें तो यहाँ पर OH है और यहाँ पर Br है। तो यहाँ पर एक कार्बन पर OH, एक कार्बन Br, तो इसकी रिएक्शन कब किसके साथ होगी, यानी HOBr के साथ में। तो यहाँ पर सिंपल एक ऑप्शन हो गया एफ। फिर यहाँ पर अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन एल कर रखा है अपन ने CH3CHBr और CH3। ये कौन सा है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन है। ये रिएक्शन कब होगी, जब हमन किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो, HBr के साथ में यहाँ पर रिएक्शन करा रहे हो। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है जो इसके साथ होगा, तो यहाँ पर अपने पास जी ऑप्शन में देखिए, जी ऑप्शन में HBr की रिएक्शन हो रही है। तो HBr के साथ सिंपल रिएक्शन कराएंगे तो पहले कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर और Br का अटैक होगा, तो मार्कोनिक ऑफ एडिशन मिलेगा अपने को, यहाँ पर जी रिएक्ट हो जाएगा। फिर H ऑप्शन में देखते हैं, तो H ऑप्शन में अपने पास क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर CH3CHOH और CH2OH, यानी ये मॉलिक्यूल क्या है, ये मॉलिक्यूल है यहाँ पर इस तरह से दोनों कार्बन पर एक एक पे OH OH है। तो इसकी कब हो सकता है, जब आपके पास क्या हो, पर हाइड्रोक्सीलेशन के लिए कौन से रिएजेंट यूज होते हैं, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड होता है या बेयर्स रिएजेंट होता है, यहाँ पर या तो ये होगा या कोल्ड KMnO4 होता है। यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में पर हाइड्रोक्सीलेशन हो जाएगा, दोनों कार्बन पर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो ये H पे H आ जाएगा। आई पे देखें तो यहाँ पर हैलाइड बन रहा है Cl। इसके लिए क्या चाहिए, पहले अपने को ऐसा एल्कोहल बन जाए, तो टर्मिनल एल्कोहल अपने को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बन गया। इसकी रिएक्शन किस साथ करा दें, इसकी रिएक्शन आप SOCl2 के साथ में करा दें, तो ये हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए अपन ने कौन सा ऑप्शन लिया था, Be। तो पहले आप Be ले लीजिए, फिर SOCl2 यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल अपने पास में होता है उसके SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म होगी, SN2 मैकेनिज्म होगी तो क्या बन जाएगा, RCl। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा BeI। अब अपने पास लास्ट है जे ऑप्शन, जिसमें अपने को एल्काइन बनाना है, यानी एल्कीन से एल्काइन बनाना है। तो एल्कीन से एल्काइन के लिए आप देख लीजिए क्या होगा, कि पहले आप इसका क्या करें, Br2 के साथ में रिएक्शन करा दें, तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, डाइहैलाइड्स बन जाएंगे, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, दोनों पे एच एच है। फिर अपन सोडामाइड यूज़ कर लें एक्सेस में, तो यहाँ पर तो 2 मोल HBr के रिमूव हो जाएंगे, 2 मोल HBr के रिमूव हो जाएंगे, तो हमारे पास एल्काइन का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा ये, ठीक है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेप्स यूज हो रहे हैं। तो पहला अपन मेथड क्या था, Br2 के साथ में रिएक्शन, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, फिर इसके साथ NaNH2 यानी आई के साथ, तो यहाँ पे डी के बाद अपने पास कौन सा हो जाएगा, एल। तो ये इस तरह से हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर लिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, इन ईच रिएक्शन बॉक्स राइट ए सिंगल लेटर डेजिग्नेटिंग द बेस्ट रिएजेंट एंड कंडीशन सेलेक्टेड फ्रॉम द लिस्ट एट द बॉटम ऑफ द पेज, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। तो यहाँ पर अपने पास देखिए क्या क्या हो सकता है, कि हमारे पास ये जो है ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को कौन कौन से रिएजेंट चाहिए होंगे। तो फर्स्ट स्टेप में अपने पास क्या होगा, तो यहाँ पर अपने पास देखिए ये एल्कीन है, एल्कीन से यहाँ पे OH और OCH3 बनाना है। तो इससे अपन क्या हिंट लगा सकते हैं, कि अपने पास एल्कीन का आप क्या करें, पहले इपॉक्सीडेशन करा दें, और इपॉक्सीडेशन कराने के बाद में CH3O- का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दें। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या करें, आपके पास में पहले हमारे पास जो ये एल्कीन था CH3, इसका पहले आप इपॉक्सीडेशन करा दें। इपॉक्सीडेशन आपने करा दिया तो इपॉक्साइड ये इस तरह से बन गया, ठीक है, इपॉक्साइड बन गया। तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जैसे CH3O- इन एल्कोहलिक मीडियम में लेकर अटैक करेगा तो SN2 अटैक लीस्ट क्राउडेड पोजीशन पे करेगा, तो ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, और फिर एसिडिक एच अपने पास जो O- है वो वहाँ से ले लेगा, बन क्या जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O- था, यहाँ पे OCH3,
ये ओ माइनस एसिडिक एच एल्कोहल से ले लेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर सी एच थ्री ओ एच ओ सी एच थ्री जो कि यहाँ पर अपने को दिया हुआ है। तो अपने पास यहाँ पर पहला स्टेप एपोक्सीडेशन, एपोक्सीडेशन के लिए अपन पर एसिड यूज़ करते हैं, तो पर एसिड यहाँ पर अपने पास कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पर एसिड दिया हुआ है पी एच सी ओ थ्री एच में, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप हो जाएगा बी। सेकेंड स्टेप में अपने पास क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहा है सी एच थ्री ओ माइनस एन में, तो ये डी, तो बी के बाद यहाँ पर डी हो गया। ठीक है, या अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपने पास में इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ लग रहा है और एल्कीन हट रहा है, इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, पहले एल्कीन का क्या करें हटा करके क्या करें यहाँ पर एल्कोहल लाएं। तो ये एल्कोहल कौन से मार्कोनिक ऑफ एडिशन के हिसाब से हो रहा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से, एंटी मार्कोनिक ऑफ के हिसाब से। तो यहाँ पर पहला स्टेप होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पर आप ये फर्स्ट रिएक्शन है, सेकेंड रिएक्शन आप यदि यहाँ पर देखें आप इसमें सबसे पहला स्टेप जो करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, बी टू एच सिक्स के साथ में रिएक्शन करेंगे और फिर एच टू ओ टू दो रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और क्या बन जाएगा यहाँ पर ओ एच आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन क्या है यहाँ पर लीस्ट स्टेबल कार्बन कोटाइन का बनेगा। फिर इस पर आप ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें जिसकी वजह से क्या हो जाएगा सी एच थ्री कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ में। अब ये रिएजेंट्स देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए, अपने पास यहाँ पर रिएजेंट कौन कौन से होंगे, यहाँ पे बी टू एच सिक्स अपने को चाहिए, तो यहाँ पर बी टू एच सिक्स एंड टी एच एफ विद एच टू ओ टू, यानी पहला स्टेप हो जाएगा ई, दूसरे में एफ, फिर थर्ड स्टेप में अपने पास क्या चाहिए ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए, तो सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करने के लिए पी सी सी यूज़ कर लेंगे, तो यहाँ पर ई एफ सी हो जाएगा। अब अपन थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिंग देखें अपन कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सिंपली ये देख 1 2 3 4 5 6, तो ये कार्बन और इस कार्बन को यदि मैं मैच कर दूँ तो ये रिंग बन रही है। दैट मीन्स आप सिंपली ऐसा समझिए कि ये वाला जो कार्बन है इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे किस तरह से, ओजोनोलिसिस से, तो ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड और लग जाएगा, यानी यहाँ पर आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया होगा अपन ने, यहाँ पर डबल बॉन्ड इसका ओजोनोलिसिस किया रिडक्टिव ओजोनोलिसिस टाइप से जिंक की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर अपने पास ये बन जाएगा सी एच ओ। अब इसका आप रिडक्शन करा दें रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से, रिडक्शन करा देंगे तो अपने पास में क्या बन जाएगा यहाँ पर ओ एच, और यहाँ पर अपने पास क्या बन जाएगा सी एच टू ओ एच, तो सेम ही वही होगा 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर, 1 6 पे ओ एच है और मिथाइल ग्रुप है जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ओजोनोलिसिस करना था अपने को, तो ओजोनोलिसिस के रिएजेंट है अपने पास आई, उसके बाद अपने पास यहाँ पर है ए, यानी रिडक्शन कराना है यानी एन ए बी एच फोर विद एल्कोहल, तो ये ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कर रहे हैं अपन। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में देखिए, फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे कीटोन था, कीटोन से यहाँ पे पी एच भी आया और डबल बॉन्ड भी आया, तो ये कब हो सकता है, जब हमारे पास इस पर क्या करे, इस पर आप पी एच एल आई, ये क्या है ग्रिगनार्ड रिएजेंट की तरह अटैक करेगा यहाँ पर और ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा, जिससे हमारे पास में रिएजेंट कुछ ऐसा बन जाएगा यहाँ पे ओ माइनस और यहाँ पे पी एच, जो कि कन्वर्ट होकर फिर हीट कर देंगे यानी ईवन एलिमिनेशन कर देंगे, तो अपने पास यही एल्कीन बन जाएगा, यानी अपने पास क्या बनाएंगे आप ये वाला जो है पी एच ओ एच, ये ओ एच है, ये पी एच है, तो यहाँ पर एच प्लस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये ओ एच टू प्लस बनेगा, कार्बोकोटाइन बन जाएगा, फिर आप हीट कर देंगे तो ये एल्कीन का फाइनल प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास रिएजेंट्स देख लेते हैं अपन, रिएजेंट्स कौन कौन से, तो यहाँ पर रिएजेंट्स देखिए पहले पी एच एल आई है, ये वाला एल दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद अपने पास में क्या दिया हुआ है यहाँ पर एल्कीन कराना है यानी एस थ्री पी ओ फोर विद हीट, तो इसके बाद जी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला स्टेप देखिए, लास्ट में हमारे पास सिर्फ एल्कीन दिया हुआ है, एल्कीन से हमें यहाँ पे पी एच भी लाना है और डबल बॉन्ड ओ भी लाना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं कि हमारे पास में अपने को एल्कोहल चाहिए चाहिए यहाँ पर, तो अपन पहले इपोक्साइड बनाते हैं इसका, कि हमारे पास में सबसे पहले अपन क्या करें इससे अपन इपोक्साइड बना लें। ठीक है, तो तीन स्टेप में करना है अपने को, तो पहले अपन ने इपोक्साइड बना लिया, इपोक्साइड के बाद में अपन पी एच माइनस लिथियम प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा, ये यहाँ पे अटैक करके इधर आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये पी एच लग गया, यहाँ पर ओ माइनस, जिसको अपन क्या कर दें वाटर देकर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पी एच ओ एच, जिसका आप ऑक्सीडेशन करा देंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ। तो इस तरह से अपन सॉल्व करेंगे फिफ्थ को, तो फिफ्थ में हमारे पास पहला स्टेप देखिए इपोक्सीडेशन के लिए बी यूज़ कर लेंगे। ठीक है,
यहीं पे एसिडिक है तो अपने पास एच जो मिलना है, ये वाले स्टेप आप इसको काउंट नहीं कीजिए, ये सॉल्यूशन में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप में हमारे पास में कौन सा रिएजेंट अपने को रिक्वायर्ड होगा, सेकंड स्टेप में हमारे पास में एल यानी ये, फिर अपने को थर्ड स्टेप में अपने को रिक्वायर्ड होगा सी। तो पहले क्या किया, ऑक्साइडेशन किया, फिर एल्कोहल बनाया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टाइप से रिएक्शन होगी, फिर ऑक्सीडेशन करा पीसीसी की वजह से। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन। आपको बस थोड़ा सा हिंट लेना होता है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है और रिएक्टेंट क्या है और हमारे पास स्टेप्स कितने दिए हुए हैं, उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन है, बोला गया मैच द रिएजेंट्स ए टू जे विद प्रोडक्ट्स ए टू जे, देयर इज वन बेस्ट प्रोडक्ट फॉर ईच रिएक्शन। तो हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, इस रिएक्टेंट के आप किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, यहाँ पर जो रिएजेंट दिए गए इन रिएजेंट्स के साथ में रिएक्शन करानी है और प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं, तो इसके साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को यहाँ पर से अपने को मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए H2O की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर होगी SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल है, इसमें यदि आप SN1 मैकेनिज्म करेंगे तो Br रिमूव हो जाएगा, Br रिमूव हो जाएगा तो कार्बोकटाइन बन जाएगा, यहाँ पे कार्बोकटाइन बन गया। कार्बोकटाइन पे अब यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा क्योंकि ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि अपने को ज़्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन मिलना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये अपने को यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर pH पे इस तरह से जड़ा हुआ है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो जाएगी, और यहाँ पर CH3 यहाँ पर प्लस, फिर इस पर आप H2O का अटैक कर देंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो मिल जाएगा वो यहाँ पर OH और यहाँ पर pH इस तरह से मिलेगा अपने को। जो कि ऑप्शन अपन चेक करें तो अपने पास कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन से मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सी। बी ऑप्शन अपने पास क्या दिया हुआ, ये दिया है CF3CO3H, यह है पर एसिड। पर एसिड की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, इपोक्सीडेशन होता है, इपोक्सीडेशन। तो इपोक्सीडेशन से क्या मतलब है कि हमारे पास में यदि कोई भी एल्कीन है उसके आप CF3CO3H के साथ में रिएक्शन करेंगे तो इपोक्साइड बनेगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह इपोक्साइड फॉर्म होगा। तो इपोक्साइड यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये जो एल्कीन है, बाकी मॉलिक्यूल वैसा वैसा ही है, जो हमारे पास सिर्फ एल्कीन वाला पोर्शन है वो इपोक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इससे मैच करने वाला ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन होगा डी, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये सिन एडिशन हो गया है, तो आइदर वेज में या डैश में, ठीक है, या तो ये दोनों वेज में हो जाएंगे या दोनों डैश में हो जाएंगे, क्योंकि इपोक्सीडेशन जो होता है वो सिन एडिशन रिएक्शन होती है। फिर अपने पास सी ऑप्शन है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर सिंपल क्या होगा, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होगी कि हमारे पास में क्या बना हुआ है, ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से बना हुआ है Br, यहाँ पर ये CH3 और यहाँ पर ये pH, ये H और Br यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और डबल टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के केस टर्सरी ब्यूटॉक्साइड में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, HBr रिमूव हो गया, तो हमारे पास कंपाउंड जैसा बन जाएगा, कंपाउंड अपने पास इस तरह से pH और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। तो इस तरह से अपने पास कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाला ऑप्शन ए है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ए मिल जाएगा। डी ऑप्शन में दिया हुआ है ओजोनोलिसिस विद बाद में H2O2, यानी ये है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, ठीक है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से क्या मतलब है कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे आप, यहाँ पर दोनों तरफ जो बनेगा वो एसिड बनेगा फाइनल। जैसे हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से, यहाँ पे pH मैंने लगा दिया CH3, यहाँ पर Br रहने देते हैं, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर भी एल्डिहाइड बनेगा, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, दोनों एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमें प्रोडक्ट मिलेगा फॉर्मिक एसिड, और यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे pH, और यहाँ पे अपने पास COOH। तो इसके साथ ही अपने पास यहाँ पर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पर अपने पास रिएजेंट F वाला देख, प्रोडक्ट F वाला देखिए, यहाँ पर सब सिमिलरिटी है, बस यहाँ पर COOH ग्रुप आइडेंटिड्यूस हो जा रहा है। तो डी ऑप्शन में कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा F। इसके बाद ई ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे Br2 के साथ एडिशन हो रहा है, तो कोई भी एल्कीन के साथ में अपने पास Br2 के साथ में रिएक्शन होता है, एंटी एडिशन होता है, पहले नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन बनता है, फिर Br- का अटैक होता है। तो यहाँ पर अपने पास इससे मैच करता हुआ ऑप्शन देखे तो यहाँ पर आई वाला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर Br इस कार्बन पे भी और इस कार्बन पे दोनों एंटी एडिशन है, यानी एक डैश पे और एक वेज पे, यानी एक डैश पे होगा तो एक डैश पे हो जाएगा, वेज पे और एक डैश पे, क्योंकि एंटी एडिशन रिएक्शन होते कैसे होती है कि कोई भी एल्कीन है Br2 से पहले Br+ का अटैक होता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है, उस पर Br- फर्दर अटैक करता है, तो हमारे पास क्या होगा, वन
टू पोजिशन पे दो बी आर ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई। नेक्स्ट है एन बी एस, एन बी एस की प्रेजेंस में क्या होता है, एलाइलिक या बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन होता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा हो। तो हमारे पास में यहाँ पर देखिए एक ही है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा स्टेबल जहाँ पे होगा, यहाँ पर सी एस थ्री है, यहाँ पर देखिए तो बी आर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो फ्री रेडिकल यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर बन सकता है, बट अपने को बेंजाइलिक जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन के साथ में ज़्यादा रेजोनेंस है, तो इसलिए फ्री रेडिकल एन बी एस के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए ब्रोमीन अपने पास कहाँ लग जाएगा, ब्रोमीन अपने पास यहाँ पर लग जाएगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, बी आर इस तरह से, पी एच यहाँ पर डबल बॉन्ड वैसा वैसे रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन, बेंजाइलिक सब्सटीट्यूशन। तो ये कौन से ऑप्शन से मैच करेगा, यहाँ पर अपने पास में इसमें ऑप्शन अपन चेक करें तो अपने पास जे ऑप्शन, देखिए जे ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पर बी आर और सी एस थ्री जुड़ा हुआ है और बाकी मॉलिक्यूल वैसा वैसा ही है, तो जे ऑप्शन इससे मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, यहाँ पर सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस आपको करना है, तो सबसे पहले एच प्लस की प्रेजेंस में कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकोटाइन का फॉर्मेशन होकर एच टू ओ का अटैक कराएंगे, एच टू ओ का अटैक करा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा एल्कोहल। अब ये जो एल्कोहल बन चुका है उसके बाद एन ए ओ एच दिया हुआ है जो एसिडिक एच को इसको ले जाएगा, तो अपने पास ऐसे मैकेनिज्म देखें तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास में यदि पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस अपन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर ये बैच पे बी आर था, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पी एच लगा हुआ ही है, बट जैसे ही आप इसका एन ए ओ एच मीडियम में इसको डिजोल्व करते तो ये एसिडिक एच को लेके जाएगा, इसको एसिडिक एच को ले जाएगा तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर पी एच, यहाँ पर ओ माइनस और यहाँ पर बी आर है, तो ये एन जी पी रिएक्शन होगी, ये अटैक करेगा और ये इस तरह से, तो यहाँ पर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, इसकी वजह से क्या मिल जाएगा, एपॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा, ये ऑक्साइड और यहाँ पर इस तरह से पी एच सी एस थ्री। ठीक, तो वो क्लियर हो गया होगा, पहले एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया अपन ने एल्कीन का जिससे मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा, फिर क्या होगा, पहले होगा हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेशन के बाद होगी एन जी पी नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन अपने पास में मैच कर रहा है, तो अपने पास में ऐसा ऑप्शन देखिए तो ये वाला देखिए, यहाँ पर डैश डैश पे क्यों आ रहा है, क्योंकि बी आर वेज पे था तो एंटी पोजिशन से यहाँ से ओ माइनस का अटैक करेगा तो एंटी दोनों डैश डैश पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास में बी एस थ्री ईथर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, सिंपली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है, यानी कोई भी एल्कीन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो लीस्ट क्राउडेड जो होगा, लीस्ट क्राउडेड कार्बन पे ओ एच जोड़ देंगे, तो अपने पास यहाँ पे लीस्ट क्राउडेड कौन सा, ये वाला है, यहाँ पे ओ एच जुड़ जाएगा, तो अपने पास में कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो यहाँ पर अपने पास देखिए ये डबल बॉन्ड वाला है, इस पर लीस्ट क्राउडेड पोजिशन पे ओ एच यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा एच। ठीक है, नेक्स्ट अपन चेक करते हैं, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, यहाँ पर एडिशन किसके बेसिस पे होगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। नेक्स्ट है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, पर हाइड्रोक्सीलेशन, पर हाइड्रोक्सीलेशन, पर हाइड्रोक्सीलेशन में क्या होता है कि हमारे पास विसिनल डाई होगी, यानी कोई भी एल्कीन यदि किसके साथ रिएक्शन कर रही है, ओ एस ओ फोर के साथ में रिएक्शन कर रही है, तो हमारे पास क्या मिलता है, विसिनल डाइओल, वन टू डाइओल सिन एडिशन रिएक्शन होती है, तो अपने पास यहाँ पर सिन एडिशन में प्रोडक्ट कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन में देखिए, तो बी ऑप्शन में यहाँ पर वेज डैश, ये दोनों ही डैश में होंगे, ठीक है, यहाँ पर डैश में, तो ये भी डैश में, सिन एडिशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, यहाँ पर बी मिल जाएगा। फिर हमारे पास जे ऑप्शन है एच टू विद पी डी, तो यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन हो रहा है, सिंपल, तो हाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, कोई भी डबल बॉन्ड, यानी किसी भी डबल बॉन्ड का आप हाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमारे पास ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा, तो यहाँ पर अपने पास में एल्कीन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहाँ पर अपने पास ये जो एल्कीन था ये यहाँ पर एल्केन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जी। ठीक, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 4 को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स, गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू डोंट मिस लेटेस्ट वीडियोस फ्रॉम आवर वीडियो सॉल्यूशन सीरीज एंड एजुकेशन रिलेटेड स्टफ फ्रॉम जीएम अकेडमी।